खिलाड़ी एक रिवाइव होगा और एक और टर्निंग पॉइंट है कि यदि यहां से पॉइंट ले गए तो दूसरा ऑल आउट का खतरा इस समय खबरिया टीम पर मंडराता हुआ, संकट के पूरे बादल छाए हुए हैं। बन रही ना जी, बन रही है। और आप बता ही नहीं रहे खबरिया की तरफ से जवाबी रेड। और यहाँ पर उनके ऊपर काफी दारो मदार के किसी भी तरीके से पॉइंट हासिल हो। और यहाँ पर जूरी टीम के रेडर तीन की डिफेंस में रेड करते हुए और यहाँ पर उन्होंने अपनी रेड पूरी की, कोई पॉइंट नहीं वापस अपने पाले में। पांच नंबर जर्सी के खिलाड़ी अब जरूर इनके पास करो या मरो की स्थिति। यहाँ पर फ्लाइंग किक लगाई लेकिन थोड़े से इम्बैलेंस हुए, अपने आप को संतुलित किया वापस अपने खेमे में। और यहां पर बेहतरीन, पूरी निगाहें जमाए हुए थे, जंप कर गए, सही ग्रिप नहीं बना पाए और पूरे चौकन्ने थे रेडर। एक पॉइंट और आता हुआ और अब निश्चित रूप से देखना है सुपर रेड, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। वहां पर एंकल पर थोड़ी सी ग्रिप स्लिप हुई, राइट कॉर्नर पूरी फुर्ती के साथ आए थे लेकिन यहां पर काफी वक्त था रेडर के पास मिड लाइन तक सुरक्षित आने का। और अब पांच डिफेंडर और यहां पर बेहतरीन जंप की और एक पॉइंट हासिल किया। और अब थोड़े से संयम और सूझबूझ की, जोश में होश की पूरी जरूरत रखनी होगी। राइट एवं लेफ्ट कॉर्नर पर काफी तेजी से रनिंग करते हुए और एक बार फिर तीन नंबर जर्सी के खिलाड़ी और इस बार देखना है, लेकिन इस बार चक्की मुंह में सब फंस गए। प्रयास बहुत किया लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता कही जा सकती है खबरिया टीम के लिए, क्योंकि तीन नंबर जर्सी के खिलाड़ी जितने ज्यादा समय कोर्ट से बाहर रहेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा खबरिया टीम को। अब केवल चार डिफेंडर लेकिन अभी भी 10 पॉइंट से आगे। और अब देखना है अपने साथी खिलाड़ियों को रिवाइव कराने का दारोमदार रेडर के ऊपर। पांच डिफेंडर बोनस मिलेगा ना, इसलिए काफी डीप खेल रहे हैं और खिलाड़ी को निश्चित रूप से पॉइंट की तलाश में काफी डीप जाना होगा और वहीं से खतरा पैदा होता है।